हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दो प्रैक्टिकल क्लास मैंने आपको दिए थे ट्रेसिंग के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो ट्रेसिंग की होगी। माइक सेक्शन, स्पीकर सेक्शन, रिंगर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन। नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए बार बार, और जो है प्रैक्टिकल करते रहिए। देखिए, मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे, और आलसी से, सुस्ती से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला हूँ डिजिटल माइक के बारे में, एनालॉग माइक के बारे में। ठीक है, उसके बाद में हम चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद में डिस्प्ले सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज थोड़ी सी वीडियो एक और आप समझ लीजिए। स्पीकर के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको डायग्राम से, माइक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक माइक हमारे फोन में जो लगा होता है वो होता है इस तरह का। ठीक है, एक हो गया इसका माइनस और एक हो गया इसका प्लस। ठीक है, ये दो तार का जो माइक आता है इसे हम चाइना माइक भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये माइक जो है हमारा, इसको हम चाइना माइक भी बोलते हैं, यूनिवर्सल माइक भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर फोनों में कीपैड में यही क्या है लगा रहता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सिंपल है, इसकी लाइन कैसी होती है सैमसंग वगैरह में भी, थोड़ी सी लाइन के बारे में आपको बता दूं। देखिए, तो इस तरह से देखिए, ये इसका टीपी पॉइंट हो गया, एक ये हो गया इसका प्लस टीपी पॉइंट और ये हो गया इसका माइनस टीपी पॉइंट। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ फोनों में क्या है, एक यहां पे ये कॉइल लगा दी इन्होंने, एक कॉइल लगा दी, उसके बाद में इसको क्या है यहीं पे एक लाइन को यहीं पे क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, एक लाइन को यहीं पे क्या कर दिया ग्राउंड, और एक लाइन क्या है आगे एक कॉइल लगा दिया सही सेम यहां पे, फिर यहां पे जो है और कंपोनेंट लगा देते हैं इस तरह से, ये कैपेसिटर लगा दिया यहां पे, ये ग्राउंड कर दिया इस तरह से, समझ रहे हैं, इस तरह से, फिर एक और कॉइल लगा दी यहां पे, फिर यहां पे कोई कैपेसिटर लगा दिया इस तरह से, और ये क्या है फिर आईसी के अंदर इन हो जाती है, आईसी के अंदर क्या हो जाती है लाइन इन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, एक लाइन को, यानी एक प्रॉप इसकी एक माइनस वाली साइड क्या होगी यहीं पे ग्राउंड कर दी जाती है। ठीक है, कुछ में तो इस तरह की लाइन आपको मिलेगी, और कुछ में आपको क्या मिलेगी, ये ग्राउंड जो है ये यहाँ पे ग्राउंड नहीं किया होगा उसमें, बल्कि उसमें क्या है ये ग्राउंड हटा के, इसको हम यहीं से हटा देते हैं, उसमें ये ग्राउंड नहीं होगा, और बल्कि इसी से क्या लाइन चलेगी, जैसे सेम बिल्कुल सेम लाइन होती है, तो यहाँ पे भी एक क्या लगा होगा, एक कैपेसिटर यहाँ लगा होगा पहले से, तो लाइन यहां से निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल लगा देंगे वो, ठीक है, तो इस लाइन में भी एक कॉइल है, इसमें भी एक कॉइल लगी होगी, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा होगा, और फिर क्या है, एक कैपेसिटर यहां लगा देंगे वो दोनों लाइनों को ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद में ये लाइन भी क्या हो जाएगी, यहाँ इन हो जाएगी। तो कुछ में क्या है, इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, दोनों लाइनें सेम जाती होंगी। ठीक है, कुछ फोनों में, और कुछ में आपको क्या मिलेगी, यहां से एक ग्राउंड हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था, यहां से ये लाइन क्या हो जाएगी, यहां पे ये ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहीं से, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इस वाले माइक की, चाइना माइक की, और चाइना माइक जो होता है ये कौन सा होता है, एनालॉग माइक होता है। एनालॉग और डिजिटल पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये तो आपकी एनालॉग माइक हो गया। ठीक है, ये टू पॉइंट का होता है, ये एनालॉग माइक हो गया, सही है। तो अब लेटेस्ट फोनों में जो है सारे के सारे क्या है, डिजिटल फोन आ रहे माइक आ रहे हैं, सॉरी डिजिटल ही माइक आ रहे हैं, एनालॉग को क्या है खत्म कर दिया गया, सिर्फ कीपैड के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, होता क्या है, एंड्रॉयड के अंदर सेक्शन जो है उसका बहुत बड़ा होता है, अलग अलग सेक्शन सबके दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आवाज हमारी पहुंचते पहुंचते आईसी तक क्या है डाउन हो जाती है, आवाज क्या हो जाती है डाउन हो जाती है, क्योंकि वो ये एनालॉग आवाज, यहां से ये एनालॉग आवाज, यहां से ये एनालॉग आवाज एक निकली। ठीक है, एनालॉग आप जानते हैं इस तरह चलती है, ये माइक ने यहाँ पे कैच की। ठीक है, माइक ने क्या यहाँ पे कैच की, ये यहां जोड़ दो, ये यहां जोड़ दो,
अब यहाँ से किसी शख्स ने बोला, ये माइक ने यहाँ पे इसको कैच किया, ये क्या एनालॉग है। अब यहाँ से ये आवाज ऐसी लचकती हुई यहाँ पहुंची, ठीक है। अब यहाँ एक ग्राउंड होगा तो इसको तो मतलब ही नहीं, या तो दोनों होंगे। तो यहाँ से ये आवाज फिर यहाँ कॉइल पे पहुंचेगी, फिर एक कैपेसिटर पे पहुंचेगी, फिर आगे कैपेसिटर पहुंचेगी, फिर कॉइल पे पहुंचेगी, फिर जाके आईसी पे पहुंचेगी। तो जब ये आईसी पे पहुंचेगी तो आईसी क्या करेगी, इस एनालॉग आवाज को डिजिटल में कन्वर्ट कौन करेगी, आईसी। क्योंकि भाई कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ये तो करते नहीं उसको कन्वर्ट। तो कन्वर्ट कौन करेगी, एनालॉग आवाज को डिजिटल में कन्वर्ट कौन करेगी, आईसी। तो आईसी तक पहुंचते पहुंचते क्या है, इतना बड़ा सेक्शन होता है एंड्रॉइड के अंदर, तो सेक्शन बड़े होने की वजह से आवाज क्या हल्की हो जाती। इसलिए जरूरत थी कि ऐसा माइक लगाया जाए फोन के अंदर, ऐसा माइक लगा दिया जाए कि आवाज यहां से जैसे ही निकली माइक ही उसको क्या है, डिजिटल आवाज को, आवाज क्या होती है एनालॉग होती है, मैंने बताया था आवाज क्या एनालॉग है, तो एनालॉग को माइक ही डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। तो जरूरत थी डिजिटल माइक लगाने की, क्या थी जरूरत, डिजिटल माइक लगाने की जरूरत थी। अब देखिए डिजिटल माइक कैसे होते हैं, आप जानते हैं डिजिटल माइक, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। देखिए एक तो आपको ऐसा मिलेगा, एक दो तीन, ठीक है, एक माइक, दूसरा माइक आपको इस तरह का मिलेगा, एक दो तीन चार, इसमें तीन पॉइंट है, इसमें चार पॉइंट है, एक और मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, इसमें इसमें क्या होगा, बीच में एक घेरा होगा, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये पांच। तो ये तो हो गया आपकी डिजिटल माइक, ठीक है। अब इसका मैं लिख भी देता हूँ, देखिए तो ये चलिए तो पहले ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, फिर आपके सही समझ में आ जाएगा। देखिए माइक सेक्शन, स्पीकर सेक्शन, रिंगर सेक्शन बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो नेटवर्क सेक्शन है या फिर लाइट सेक्शन थोड़ा सा है, ठीक है। तो वैसे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। अब देखो थोड़ा सा मैंने इसको मिटा दिया, आप समझ में आएगा। देखो अब इसमें क्या किया है, ये कौन सा माइक है, डिजिटल माइक, डिजिटल माइक, डिजिटल का मैंने बताया था आपको, फोन पूरा क्या है डिजिटल सिग्नल पे ही चलता है, ठीक है, ये हमारा हो गया डिजिटल, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये आपको मिलेगा ये वाला माइक, ज्यादातर आपको J2J7 वगैरह के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाला ऐसा क्या होता है, हमारा ग्राउंड होता है, क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है, ये हमारा होता है ग्राउंड, G&D, ये हमारा ग्राउंड होता है। अच्छा ये वाला जो वाला हमारा सिरा मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा BDD का, BDD यानी वोल्टेज ड्रेन, ड्रेन मतलब ये प्लस की लाइन है वोल्टेज की, ठीक है। और ये वाला आपको जो मिल जाएगा वो आपको क्या मिलेगा, डाटा, डाटा, समझ रहे हैं आप। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने क्या किया, पहले इसके अंदर ये नहीं था, ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्लॉक सिग्नल की लाइन नहीं थी, ठीक है, ब्रिज था, ग्राउंड था, डाटा था। अच्छा ये आपको जियो का जो F320B आया है और भी लेटेस्ट आया है फोन, तब सब में ये क्या है, लेटेस्ट ही माइक इस्तेमाल हो रहे हैं, आवाज की क्लियरिटी की वजह से, आवाज अच्छी आए, तेज आवाज जाए, इसलिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो है ये डिजिटल माइक है, ये आवाज को आईसी तक पहुंचने से पहले ही, जैसे ही आवाज माइक पे पहुंचती है, फौरन ही ये खुद ही उसको क्या कर देते हैं, डिजिटल बना देते हैं, एनालॉग आवाज जो मुंह से निकल रही है उसको क्या बना देते हैं, डिजिटल बना देते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई डिजिटल और एनालॉग की, आपको समझ आ ही गया होगा, और इसका मैंने आपको लाइन भी बता दिया, डायग्राम भी बता दिया है। अब मैं कुछ सवाल और उनके जवाब, एक भाई ने हमारा सवाल किया था कि माइक की लाइन है, सपोज कीजिए कि ये आपकी माइक की लाइन है, ये आपकी माइक की लाइन है, ठीक है, ये आपकी माइक की लाइन हो गई, ये प्लस हो गई और ये क्या हो गई आपकी माइनस हो गई। तो ये लाइन आपकी यहाँ से निकली और ये तो ग्राउंड हो गई, एक कॉइल लगा के यहाँ पे, सही है, ये लाइन आपकी जा रही है आगे, एक कॉइल लगी है उसके आगे जाएगी है ये लाइन, तो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, सही है, ये लाइन आगे निकल गई। अब सपोज कीजिए यहाँ से ये लाइन कट गई, यहाँ से ये लाइन कट गई, ये अब यहाँ से आईसी से जॉइंट है, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, सही है,
अब ये आईसी से यहाँ से यहाँ आईसी से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ से क्या आई बीच में से कट गई। अब एक भाई का सवाल ये था कि सर जब ये लाइन बीच में से कट गई, हम यहाँ से ट्रेस करने यहाँ 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 तक बीप मिल रहा है, आगे बीप नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसके देखिए कई उदाहरण है, थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा तब आपको पता लगेगा। अब यहाँ से आपने ट्रेस किया, यहाँ बीप मिल गया आपको, यहाँ बीप मिल गया, उसके आगे बीप नहीं मिल रहा है क्योंकि लाइन बीच में से कटी हुई है, कैसे पहचानेंगे लाइन कटी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले क्योंकि ये लाइनें क्या होती है, सेम लाइनें होती है, ऐसे ही सेम लाइन होती है, ठीक है। दोनों ज्यादातर स्पीकर सेक्शन वगैरह, रिंगर सेक्शन वगैरह, ज्यादातर सेक्शन सेम लाइनें होती है, तो लाइन से आप माइंड से थोड़ा जोर देके दिमाग पे अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं लग रहा है तो लाइन का जीआर, देखिए हर लाइन का अपना जीआर होता है, ग्राउंड रीडिंग होती है, ठीक है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे। लाइन का जीआर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पे कितना जीआर मिलेगा, वोल्टेज के समथिंग मिलता है जीआर के ऊपर, अगर मुझसे कहेंगे तो मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जीआर के जरिए आप क्या है ट्रेस कर सकते हैं कि अगर सेम जीआर मिल रहा है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि यार यही लाइन होगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका इसका ये होगा कि आप स्मैटिक डायग्राम के जरिए क्या है इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहां से कहां गई है। स्मैटिक आपको आना चाहिए, मैं आगे आइंदा क्लासों में क्या स्मैटिक भी कराऊंगा, मैंने जो कुछ जो आपको बता रखा है सब कुछ कराऊंगा मैं इसमें, ठीक है। बस आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, दूसरों को तक हमारी नॉलेज को पहुंचाइए, जो हम आपको दे रहे हैं आप भी दूसरों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो तीसरा तरीका क्या है, हम इसमें स्मैटिक के जरिए क्या है जान सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से क्या है कटी हुई, ठीक है। ये बात तो इसकी हो गई, ये डिजिटल और एनालॉग माइक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है आपकी मेहनत, आप मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये माइक का था, और इससे पहले मैं स्पीकर रिंगर बता ही चुका हूँ, तो आई होप आपके सब ये समझ में आ ही गया होगा, और फिर भी अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो हम आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। इंस्टाग्राम पे एमएनजर कम्युनिकेशन नाम से आईडी है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, लिख के डाल दीजिए, हम आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आगे जो सेक्शन हम लाने वाले हैं वो लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन पर अब वीडियो आएंगे, ठीक है। तो वीडियो मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है।